Hare
दासों की दासों की दास रूप में देखो दुनिया में उनका ही जय जयकार है, उनका ही जगत में जय जयकार। संसार में भी बड़ा बनना ज्यादा लाभ नहीं है, सत्य जगत में बड़ा बनना लाभ नहीं है। जना संसार में सबसे ज्यादा बोझ किसको बढ़े, जो बढ़े। बच्चों को कोई चिंता है, खा पी रहे मस्त घूम रहे, कोई चिंता ही नहीं। इसलिए बड़ा बनना बड़ा जरूरी है, छोटा बनकर रहेगा ना वो बढ़िया है। सबका आशीष मिलेगा, सबका आशीर्वाद मिलेगा, सबका लाड प्यार मिलेगा। इसलिए कहते हैं हम तीन से भी ज्यादा हम दीनहीन हो, बोले वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु होनी चाहिए। देखना जैसे अब जा रहे बड़ी कड़ी धूप है, देखा पेड़ की बड़ी सुंदर आम के वृक्ष है, आम के वृक्ष देखा तो बड़े सुंदर शीतल छाया है, वो सबको छाया देते हैं। देखा भाई नीचे बैठने के लिए कुछ है नहीं, उसका टहनिया को तोड़ लिए नीचे ऊंचा लिया बैठ लिया। वो कभी ये नहीं बोलता तू मेरे टहनिया को तोड़ लिया तेरे को मैं छाया नहीं दूंगा, वो कभी बोलता है। पेड़ में आम है, उठाया एक पत्थर मार वृक्ष, लेकिन आप तो उसको मारा लेकिन उसने क्या किया, फल दे दिया। तुमने मारा उसको लेकिन उल्टा उसने आपको एक फल दे दिया। देखना उसकी पूरा जीवन परोपकार के लिए, उसका पत्ता भी परोपकार के लिए, उसका टहनिया भी परोपकार के लिए, उसकी लकड़ी भी, हम सब कुछ घर में जो कुछ बनाते लकड़ी से बनाते, उसको जला करके उससे भी बनाते। देखना उसको जीवन पूरा परोपकार, दूसरे उपकार में पूरा जीवन उसकी। कहती है वृक्ष से भी सहन शक्ति होना पड़ेगा, इसलिए बोलते ना जो सहे सो रहे, जो ना सहे और ना सहे। इसलिए सहन शक्ति एक बहुत बड़ी चीज है, संसार में हो संत जीवन में हो कहीं भी, अगर सहन नहीं होगा ना फिर तो आप जलते जलते रहोगे, क्रोध तुम्हारे हैं, क्रोध तुम्हारे तंत्र रहोगे। इसलिए फिर भक्ति करना तो सहन सीखो हैं, सहन सीखनी चाहिए। इसलिए भगवान जब संतों का लक्षण कहते ना, पहला गुण कहते तितिक्षा, सबसे पहला गुण होता है, पहला गुण तितिक्षा। तितिक्षा मतलब सहन शक्ति, ये बहुत बड़ी चीज सहन शक्ति। दूसरों को माफ करना ये इससे बड़ी दया जगत में कुछ नहीं है, दूसरों को माफ करना ये सबसे बड़ा दया है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बोले तरपी सही सुना, बोले अमानिया मान देना। कहते कभी भी स्वयं इज्जत की इच्छा नहीं रखनी, सारा दुनिया में जय जय का सब सामने मेरे को माला पहनाया जाए, सारा दुनिया मेरे को जाने नहीं। कहते खुद अमानी बनो, अमानी बनो। इसलिए अगर अमानी बनोगे ना जिनका भगवान अपमान, हमारे संप्रदाय में एक संत हो जिनका नाम था माधवेंद्र पुरी, चैतन्य महाप्रभु गुरु जी के गुरु जी थे, गुरु जी के गुरु जी थे चैतन्य महाप्रभु जी। ये जगन्नाथपुरी जा रहे थे, जगन्नाथपुरी जा रहे थे वो है हमारे उत्तर प्रदेश से जगन्नाथपुरी जा रहे थे। इसलिए ठाकुर जी उनको स्वप्न दिए, देखो मैं बड़े दिनों से पड़ा हुआ था, मेरे शरीर में बड़ा जलन है, तुम पुरी जाओ, वहाँ एक मलय चंदन है जिसको शरीर में लगाने पर शरीर को एकदम ठंडा कर देता है, मेरे शरीर की ताप नहीं जा रही, तुम मेरे लिए चंदन लेकर के आ। वो चल चल कर जा रहे थे, बीच में एक गोपीनाथ पड़ते हैं, जिस गोपीनाथ को भगवान राम अपना हाथों से बनाया था। वो ठाकुर जी को जगन्नाथपुरी गए कि नहीं गए, जगन्नाथपुरी एक बार यात्रा कर वहाँ पर, और बीच में ये ठाकुर को दर्शन करना, ये ठाकुर जी को भगवान राम अपने हाथों से बनाया, ये विग्रह और कोई नहीं बनाया। जब भगवान का राम का उनकी वनवास हो गया, एक दिन ऋषि मुनियों के आश्रम को पास में रह रहे थे, पास में रह रहे थे तो इतने में आंधी तूफान आ गई, आंधी तूफान आई तो वहां पर गैया बछड़े सब इधर उधर भागना शुरू कर दिया, भागना शुरू किया तो इतने में रामचंद्र मीठे मीठे मुस्कुरा रहे थे। तब श्री सीता जी ने पूछा प्रभु आप मुस्कुरा क्यों रहे हो, बोले नहीं कोई बात नहीं, बोले नहीं वैसे थोड़ी मन मन में थोड़ी कोई मुस्कुराए, कुछ तो कारण होगा क्यों मुस्कुरा रहे हो, तो देखो ये रामा अवतार में मैं तो आया हूँ, फिर दूसरा अवतार में मैं कृष्णा अवतार हूँ, और जो कृष्णा अवतार में मैं ग्वाला घर में जन्म लूंगा है, कृष्णा वो ग्वाला घर में फिर मैं जन्म लूंगा, और मेरे
नल लाख गैया होएंगे, मेरे पास में नल लाख गैया होएंगे और मैं गैया चराने के लिए जाऊंगा। जब गैया चराने के लिए जाऊंगा ना, मेरे ग्वाल बाल भी होएंगे और इसी अवतार में तो तू मेरी अकेली पत्नी हो, एक सीता पत्नी है। लेकिन जब मैं कृष्णा अवतार में आऊंगा ना, मेरे बहुत पत्नी होंगी, मैं तो एक करोड़ गोपियों का हाथ में राज करूंगा। फिर जब द्वारका में जाऊंगा ना, मेरे तो 16,108 पटियाँ हैं। मैं इतना शादी करूँ, एक को संभालना कितना कठिन है आपको बताओ। एक को अगर जिंदगी में अगर संभाल लिया तो गंगा में नहा लिया। लेकिन आप इतने शादी करो, हाँ इतने पत्नी होगी और मेरे बहुत सखा सखियाँ होंगी और 9,00,000 गैया होंगी और इसी अवतार में तो धनुष है। लेकिन कृष्णा अवतार में भी बज्र कृष्णा अवतार में बंसुरी धारण करूंगा। इतने में सीता ने कहा, देखो आप क्या बताओगे, अब कैसे मैं होगा, आप क्या बोलोगे, आप गुरु कैसे होगा। रामचंद्र ने कहा, 7 दिन के बाद में तेरे को मैं दिखा दूंगा। भगवान राम एक गुफा के अंदर में गए, अपना जो तीर था ना, एक पत्थर के ऊपर उन्होंने तीर से उन्होंने एक मूर्ति बनाया। लेकिन सीता जी के अंदर में इतने उत्साह, बोले कैसे द्वापर युग में कैसे होंगे, कैसे होंगे। बोले 7 दिन बाद में देखा होगा। लेकिन सीता जी इतने पीछे पड़े गए 4 दिन में, बोले अभी अभी दिखाओ, अभी अभी दिखाओ कैसे बनोगे। फिर तो भगवान राम ने 4 दिनों में वो मूर्ति को उन्होंने प्रस्तुत किया। जब सीता जी ने देखा, बोले भैया आपसे इनसे तो कोई फर्क नहीं दिख रहा है। बोले हम थोड़ी दो हैं, हम तो एक ही है ना। बोले थोड़ी सी तो फर्क है, ये क्या है। बोले आपका हाथ में धनुष है और इनसे हाथ में बांसुरी है। बोले हाँ। बोले और क्या फर्क है। बोले आप तो सीधे साधे लेकिन ये टेढ़े हैं, आप एकदम सीधे ये टेढ़े हैं। बोले और क्या फर्क है। बोले आपका हाथ तो बड़ा गंभीर लेकिन इनका हाथ बड़ा चंचल है, इनका आग बढ़ बहुत सारी गोपियाँ होंगी ना इनकी, इसलिए इनका आग बड़ा चंचल आग दिख रहा है। बोले हाँ ये तो बात सही बात है। इसलिए वो जो बिक्रा है, जब वो वहीं पर वो संत आए तो उनको बड़े सुंदर भोग लगता था। 12 सपड़े में एक खीर भोग लगता था जिसका नाम अमृत बली। आप बहुत खीर खाए होंगे लेकिन ऐसे खीर दुनिया में कहीं नहीं मिले। इतने सुंदर खीर है, एकदम दूध को गर्म करते करते उसमें काजू किशमिश डाल करके और सुंदर डाल करके ना वो खीर बनता है सफर में, है। इसलिए खाओ तो खाते जाओगे इतने सुंदर वो खीर है। तो उन्होंने पूछा भैया ठाकुर जी को, या वो क्या लगता है। बोले वो खीर का नाम अमृत कही, उसका नाम ही अमृत कही। अब इनके मन में भी लोभ हुआ, अगर ये खीर का थोड़ी सी टेस्ट अगर मेरे को पता चलता ना, मैं भी अपना ठाकुर जी को मैं भी ऐसे खीर भोग लगाता। इसलिए नियम है, अगर हमें कहीं पता चले अमुक जगह पर ठाकुर जी का ऐसे सेवा होती है, हम भी ऐसे सेवा करेंगे, हैं, हम भी ठाकुर जी को ऐसे खाना खिलाएंगे, ऐसे हम ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे। ये लोग तो बढ़िया है, यही लोग भी भगवत चरण तक पहुँचा दें। लोग होनी चाहिए, ऐसे लोग हो, वो व्यक्ति इतना हरिनाम करते हैं, अरे हम भी ऐसे हरिनाम करेंगे, हम भी 1,00,000 हरिनाम करेंगे, हैं। वो ऐसे भजन करता है, अरे हम भी ऐसे भजन करेंगे। वो ऐसे ठाकुर को पूजा करते हैं, हम भी ऐसे करेंगे। वो ठाकुर जी को इतने सुंदर श्रृंगार, हम भी अपना ठाकुर जी को ऐसे सजाएंगे। ये लोग होने चाहिए। अभी ठाकुर जी इनकी भावना समझ गए, समझ करके ठाकुर ने खीर चोरी किया। जो 12 सपड़ा था ना, उसने क्या किया, वो बड़े परम भक्त थे, उन्होंने लेकर कपड़े के अंदर छुपा दिया ठाकुर जी। और ठाकुर जी की माया से पुजारी को पता ही नहीं चला। वो पुजारी तो लेकर के रात जगह को साफ कर दिया। रात को जब सो गया ना, ठाकुर जी स्वप्न दिया, माधवेंद्र मेरे एक पुजारी को बोले, पुजारी जी मेरे एक भक्त आया, वृंदावन से आया है, इसकी मन में इच्छा होती खीर खाने के लिए, मैंने उसके लिए एक सुखड़ा खीर मैंने छुपा करके कपड़े को अंदर में रखा, मेरी माया से तेरे को पता नहीं चला, जाओ अमुक स्थान पर बैठा हुआ उसको जा करके तुम खीर देखेगा। बोले भैया ऐसे कौन सा भक्त आए जो भगवान चोरी करते हैं।
और मेरे को स्वप्न देते हैं भैया उनको खीर दे के आओ, बोले कितने बड़े सौभाग्यवान वो व्यक्ति होगा। तो उन्होंने पुकार पुकार के, भैया माधवेंद्र पुरी किसका नाम है, त्रिभुवन में आप तो जगत में सबसे बड़े संत हो, ठाकुर जिनके लिए चोरी करते हैं आपके लिए आप कौन है। हमने भैया मेरे नाम को कौन पुकार रहे, बोले भाई यहाँ पर हूँ। तो उनके चरण में प्रणाम किया, आप जगत में कितने सौभाग्यवान, ठाकुर भी आपके लिए खीर चुराए, लो इस लो। तब से वो ठाकुर जी का नाम पहले था तो गोपीनाथ, उसके बाद में ठाकुर का नाम हो गया खीर चुरा गोपीनाथ। सारा दुनिया उनको चोर 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 कहती, अगर किसी व्यक्ति चोर भी हो ना, अब चोर को चोर कर तो मारने वाले मारने दौड़ी, अगर को चोर कहते हो ये ठाकुर जी है ना, सब उनको चोर चोर कह रहे खुश हो गए ना, चोर कह रही है तो सबसे बड़ा। इसलिए बल्लभाचार्य ने पूरा एक अष्टक बनाया चोर, उसका नाम चौराग्रम, वह जितने चोर में सबसे बड़े चोर ये, जो दीन को चुराते हैं, जो पाप को चुराते हैं, जो मन को चुराते हैं, जो कष्ट को चुराते हैं, जो ताप को चुराते हैं, जो पाप को चुराते हैं, सबसे बड़े तो चोर ही है। इसलिए उनको चोर 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 बोलते ठाकुर जी मुस्कुरा रहे, हाँ मैं चोर हूँ। लेकिन भक्त के लिए भगवान अपना चोर नाम को ठाकुर जी धारण कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, लेकिन उन्होंने देखा भैया सवेर होते ही ये पूजा तो बोल दिया सबको, और सारा दुनिया मेरे को दर्शन के लिए आएगा, ठाकुर जिनके लिए चोरी किया खीर को उन्होंने राता रात वहां से भगे, सब लोग मेरे को इज्जत नहीं दे। लेकिन देखना कि दुनिया जो प्रतिष्ठा है ना, हम हर चीज को छोड़ सकते, प्रतिष्ठा नहीं छोड़ सकते, प्रतिष्ठा सभी को सामने थोड़ी बदनामी हो जाए, सबको कोई सम्मान करे, बीच में एक को सम्मान नहीं करते ना आप भड़क जाते हैं, प्रतिष्ठा ऐसे ही चीज। लेकिन भक्त लोग कभी प्रतिष्ठा नहीं चाहते हैं, सारा दुनिया मेरी जय जयकार करे, सारा दुनिया मेरे को प्रशंसा करे, भक्त नहीं चाहते। बोले क्यों नहीं चाहते, प्रतिष्ठा देने से क्या होता है, आनंद तो होता है मिलता है, लेकिन वो तो सबसे बड़ा आनंद में डूबे हुए हैं, वो तो प्रभु का प्रेमानंद में डूबे हुए हैं। जिस प्रेमानंद को सामने विश्व ब्रह्मांड का जितने आनंद उसको सामने दिखी है, वो तो प्रभु की भजन में मस्त है, उससे आनंद बड़ा आनंद क्या हो सकता है, और उससे बड़ा आनंद कुछ है ही नहीं। इसलिए उन्होंने वहां से भाग गए, जगन्नाथपुरी चले गए। लेकिन वो पहुंचने से पहले ना जगन्नाथ राजा को स्वप्न कर दिया, ठाकुर जी वहां पर राजा को स्वप्न दिया, मेरे एक बहुत बड़ा संत ये आ रहे हैं वृंदावन से, उनके लिए तुम चंदन की लकड़ी की व्यवस्था कर देना। राजा बोले भैया ऐसे कौन संत आ रहे हैं, ठाकुर जी जिनके लिए मेरे को स्वप्न दे रहे हैं, वो आने से पहले ना उनके लिए फूलों की माला लेकर तुमने प्रस्तुत रहे। हाँ बोले आपका नाम माधवेंद्र, बोले हाँ, बोले ठाकुर जी मेरे को स्वप्न दिया आप आ रहे, बोले भगवान छोड़ करके प्रतिष्ठा में यहाँ यार यहाँ में पीछे पड़े। यहाँ पर कहते अमानिना, अमानिना का मतलब होता है वो मान नहीं चाहते हैं, लेकिन भगवान उनको मान देते हैं। मीरा थोड़ी बताया मेरे नाम की जय जयकार हो, हनुमान जी थोड़ी बोले मेरे नाम से पूजा करें, लेकिन जब आप भगवान की भक्ति करोगे सारा दुनिया तुम्हारी पूजा करने लगे, सारा दुनिया तुम्हारी पूजा करने लगे। इसलिए बोले अमानी नाम मान दे, सब जीवों को यथाविध सम्मान दो। इसलिए बोले जीवे रे सम्मान दिवे जाने कृष्ण अधिष्ठान, क्योंकि हर जीव के हृदय में ठाकुर जी का निवास है, सभी जीव के हृदय में भगवान के हृदय में बैठे, इसलिए इसी भाव से सबको सम्मान देनी चाहिए, सबका सम्मान दो, कभी स्वयं सम्मान की भूखे मत बनो, सबका सम्मान दो। कहते अगर चार गुण आ जाएगा ना बास, आप फिर तो कीर्तनी या सदाहरी, फिर तो हर समय आप प्रभु का कीर्तन कर सकते हैं, दीनहीन होकर। क्यों कभी कभी कीर्तन में बाधा आती, क्यों कारण है, उसने मेरे को इज्जत नहीं किया, उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, हम थोड़ी ऐसे बास, वहीं पर भजन खत्म हो जाती है। अगर आप अपना को दीनहीन मानोगे भैया हम तो सबका दास है, सबका सेवक है, इसलिए बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
कबे आभी पाई वह वैष्णव पद छाया और कबे आभी छाड़ी वह विषय विमान कबे विष्णु जन आमी कैलाशन इसमें कह रहे हैं कब ऐसे दिन आएगा मैं सारे अभिमान को त्याग दूंगा है सारे अभिमान को त्याग देकर के जितने विष्णु जन हैं विष्णु जन मतलब जो भगवान के जितने सेवक हैं ठाकुर जी की जितने संत हैं सबको मैं सम्मान दूं सबको मैं प्रणाम करूं सबको मैं सम्मान दूं तब यह कहते बोले गला वस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे दंते तृण परिधाराय वनिष्ठम यहाँ पर कह रहे हैं बोले प्रभु ऐसे कब होएगा मैं दीनहीन बन करके जो गले में जो वस्त्र है ना है फिर ना हमारी भारतीय संस्कृति है सबके तुम गले में कपड़े डालते हैं ये दीनहीन भावना है दीनहीन भावना है अब कृष्ण को देखो चादर होगा राम को देखो दुपट्टा होगा भगवान के लिए और जिसने माताओं को देखो अपना चुंदरी होता है माताओं की चुंदरी होती है सबके सब ये जो चीज है तो गला वस्त्र कृतांजलि जैसे कोई व्यक्ति अपराध करे ना हम कहते हैं ना भैया गले में गलवहनिया डाल करके गले में वस्त्र डाल करके माफी मांग सकते हैं सबको माफी मांगो इसलिए जो चीज है कभी भक्ति जगत में कहते प्रभु ऐसे दिन कब आएगा अपना गले में गला वस्त्र डाल करके हम वैष्णव संतों को चरण में जाकर के प्रणाम करेंगे संतों को हम प्रार्थना करेंगे बोले भैया संतों को क्यों प्रार्थना करेंगे बोले कारण है भगवान कहाँ बैठे हैं बोले संतों के हृदय ठाकुर जी संतों के हृदय में ठाकुर का निवास है इसलिए बोले भगवान सभी बड़े संत हैं देखो एक समय कुछ साधु लोग बैठे हुए थे साधु लोग बैठे हुए थे विचार हो रहा था एक संत ने कहा बोले भैया बताओ तो दुनिया में सबसे बड़े कौन है एक संत ने कहा भैया जगत में बोलोगे सबसे बड़े तो पानी है बोले कैसे बोले संपूर्ण पृथ्वी में तीन भाग देखना पानी और एक भाग स्थल और तीन भाग जल है अपने बताया पृथ्वी में सबसे बड़ा कौन बोले पानी दुनिया में सबसे बड़े तीन भाग पानी और एक भाग स्थल एक ने कहा भैया अगर तू बोलोगे जगत में पानी बड़ा है मैं तो बोलूंगा जगत में सबसे बड़े श्री भगवान अनंत है क्योंकि इतने बड़े ब्रह्मांड को अपना सर के ऊपर में सरिसों जैसे अनंत देव ने धारण करके रखा अनंत संपूर्ण पृथ्वी को सर पर प्रभु धारण करके रखे वो अनंत देव बड़े हैं जब ये बात बताया फिर एक संत खड़े हो गए बोले अगर तू बोलेगा अनंत देव बड़े मैं तो बोलूंगा भैया उससे बड़े शंकर जी बोले क्यों बोले इतने बड़े अनंत देव को गले में जो माला रूप में धारण कर लिया शंकर जी गले में सांप है ना वो सांप कौन है वो सांप नहीं और उनके गुरु जी श्री अनंत देव को उन्होंने अपना गले में भूषण बना कर रखे बोले मैं तो बोलूंगा भैया जगत में सबसे बड़े श्री शंकर जी अनंत देव को गले में सर्प रूप में जो धारण कर दिया इतना बोला तो फिर एक संत खड़े हो गया बोले अगर तू बोलोगे अनंत देव सबसे बड़े शंकर जी है उससे बड़े तो रावण है बोले कैसे बोले जिस समय रावण ने दिग्विजय करने के लिए गया था शंकर जी कैलाश के ऊपर बैठे हुए थे रावण में इतनी शक्ति था उन्होंने पूरा एक हाथ में कैलाश समेत शंकर जी को उन्होंने उठा दिया इतने बलवान बोले भैया मैं बोलूंगा जगत में से बड़े तो रावण है फिर एक संत ने कहा बोले भैया अगर तू बोलोगे जगत में रावण सबसे बड़े मैं तो बोलूंगा भैया उससे बड़ी बड़ा तो बलि है बोले कैसे बोले जिस समय रावण ने ये त्रिभुवन को दिग्विजय करने के लिए निकला वो देखा श्री बलि हाँ बाली तर्पण कर रहा था पानी में तर्पण कर रहा था और ये रावण जाकर ना उनको डिस्टर्ब कर रहा था है पानी घुला कर रहा था बात कर रहा था बाली ने कहा भैया ये कौन है देखा रावण उसको इसे पकड़ा और बगल में 6 महीना तक दबा कर रखा हाँ और अपना पूजा करते रहा और बाली भूल गया बगल में उसको दबा करके रखी लेकिन चिट्ठी जैसे काटने लगा जब चिट्ठी जैसे काटने लगा भैया चिट्ठी बगल में कहाँ गया तो ऐसे किया ना रावण गिरा तो वहां से भगा इसलिए कभी उन्होंने बाली के पास में फिर रावण कभी नहीं आए बाली कभी तो कहते उसको घोड़ाशाला में बांध कर रखा था घोड़ेशाला में रावण को बांध कर रखा था
इसलिए बड़ी कौन हो गया बाली, एक संत खड़ा हो गया। बोले तू अगर बोलेगा बाली जगत में सबसे बड़े, मैं बोलूंगा उनसे बढ़कर राम हूँ। बोले क्यों? बोले इतना बड़ा जो बाली को एक बाण से जो समाप्त कर दी, तो किसने समाप्त कर दिया? राम। एक बाण से इतने बड़े पराक्रमी बलवान बाली को उसने एक बाण में निधन कर दिया। बोले भैया मैं तो बोलूंगा जगत में सबसे बड़े श्री राम है। अभी सब लोग एक वाक्य से स्वीकार कर लिया, जगत में अगर सबसे बड़े है कौन है? राम। इनसे बड़े दुनिया में कोई नहीं। लेकिन वहां पर एक रसी के संत बैठा हुआ था, बोले भैया मैं बताऊंगा राम से भी कोई बड़े। बोले क्या? भगवान से थोड़ी कोई बड़े हो सकते? बोले मैं बताऊंगा ना। बोले बताओ क्या बोलते हो? बोले उन्होंने कि गीत गोविंद है, तो गीत गोविंद बताए। बोले जय जय दे बाहरे, जय जय दे बाहरे, जय जय दे बाहरे, जय जय दे बाहरे, सीता काम राम कुछ अन्नारा मृता सरोवर में जैसे एक हंस क्रीड़ा करता है। सरोवर कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। हंस कितना छोटा सा होता है? बोले संतों का हृदय में रूपी मानस सरोवर में जो ठाकुर जी एक हंस बनकर क्रीड़ा करते हैं, बोले इतनी बड़ी जो भगवान है, अगर उनको कोई हृदय में कोई कैदी करके रखा है ना, तो किसकी हृदय में अगर बैठे हैं तो साधु के हृदय में बैठे। इसलिए भगवान कहते साधव हृदय तो हम साधव हृदय रुज्जम साधु नाम हृदयम, साधु का हृदय में मैं हूँ और मेरे हृदय में साधु बैठे। इसलिए भगवान को जो अपना हृदय में बंद करके रख दिया और हृदय में रख लिया, तब वो कितना बड़ा होगा? इतने बड़े भगवान को जो हृदय में बैठा कर रखा, इसलिए सबसे बड़े कौन हो गए? भक्त हैं। इसलिए भगवान का नाम भक्त वत्सल भगवान है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, बोले गल वस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे दंते तीन करी कराई व निष्कपटे। कब ऐसा आएगा? कहाँ पर जाएंगे? बोले संतों के शरण में जाएंगे, हैं उनकी चरण में दंत में तीनता लेकर के दबा करके उनके चरण में हम प्रणाम करेंगे। बोले क्यों? बोले जब हम संतों को प्रार्थना करेंगे, हमारा प्रार्थना तो ठाकुर सुनेंगे नहीं, हमारा प्रार्थना ठाकुर थोड़ी सुनेंगे। बोले ठाकुर जी किसका प्रार्थना सुनते हैं? बोले जिसके अंदर में छह गुण आते हैं, जिसके अंदर में छह गुण आते हैं। बोले छह गुण क्या है? बोले पहला नंबर है भक्ति का जितने प्रतिकूल वस्तु को छोड़ो, जिसमें भगवान की भक्ति नहीं होगा उस चीज को छोड़ो और भक्ति के अनुकूल वस्तु को ग्रहण करो, जो करने से ठाकुर जी खुश होंगे वही काम करो और भगवान को ऊपर में पूर्ण विश्वास करो,
ठाकुर हमें जरूर रक्षा करेंगे, ठाकुर जी जरूर हमें, ठाकुर जी क्यों, हम ठाकुर जी की भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, जैसे श्री अंबर सिंह महाराज, इनको ऊपर कृत्य आया तो हाथ जोड़ कर खड़े, क्यों बोले जाके राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बनता कर सके जो जर भरी, इसलिए ये पूर्ण विश्वास कर ठाकुर जी हमें रक्षा करेंगे। और क्या पूर्ण विश्वास रखो, ठाकुर जी जरूर हमें पालन करेंगे, ठाकुर जी जरूर हमें पालन करेंगे। जब भगवान एक चिट्ठी से लेकर के एक चिट्ठी से लेकर के हाथी को जब पालन करते हैं ठाकुर जी, हम ठाकुर जी के शरण में आए, क्या ठाकुर जी हमें पालन नहीं करेंगे, ठाकुर जी हमें जरूर पालन करेंगे। देखो ये विश्वास तभी होगा जब हम सही सही ठाकुर जी के शरण में जाएंगे, अगर शरण में नहीं जाओगे ना भगवान पर विश्वास नहीं होगा, भगवान रक्षा करेंगे भी विश्वास नहीं होगा, भगवान पालन करने भी विश्वास नहीं होगा। बोले एक समय द्रौपदी ने भगवान से पूछी, बोले प्रभु आपको जब मेरे ऊपर में विपत्ति थी ना, जब मेरे ऊपर में जब दुशासन मेरे को वस्त्र हरण करना चाह रहा था, मैंने आपको बड़े देर से पुकार रही थी, अब आने में इतने देर क्यों लगाए। बोले द्रौपदी तुमने दीर से केवल एक बार मेरे को पुकार, बोले क्यों क्या बोल रहे हो, जब से घर से घिसड़ते हुए ला रहा था तब से मैं आपको पुकार रही थी। बोले द्रौपदी तू सही सही बता, झूठ मत कहा करना, तू क्या मेरे को दिल से पुकार रही थी। बोले प्रभु दिल से नहीं पुकार रही थी, बोले तुम बताओ जब दुशासन तेरे पास में गया तू क्या सोच रही थी। बोला नहीं ये मेरा हिगड़ा क्या कर लेना, मेरा पांच पांच पति है, सर्वश्रेष्ठ गांधी भाई अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम, सर्वश्रेष्ठ भाला युद्ध श्री दृष्टि महाराज, तलवार में नकुल सहगुरु का बराबर कोई नहीं, ये मेरा क्या कर लेगा, तू ऐसे सोच रही थी ना। बोले द्रौपदी आधा रास्ता से आकर वापस गया मैंने। बोले क्यों, बोले तुम जो सोच रही थी इतने इतने हमको रक्षा करने वाले भैया बीच में क्यों आता, इसलिए मैं भाग गया वहां से। बोले तो पास में भी आकर भी भागा। बोले क्यों, बोले पास में तो आया था फिर तुम देखा ये कोई बचा नहीं रहे, फिर तुम सोच रही थी यहाँ पर पितामह भीष्म जी, यहाँ पर द्रोणाचार्य है, कुलगुरु है, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र में कुल बधु है ना, ये तो कुछ ना कुछ बोलेंगे मेरे लिए, थोड़ी बोलेंगे मेरे को विभस्त्र कर, कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो उनकी तरफ में देख रही थी कि नहीं। बोले हाँ देख रही थी। बोले भैया जब तुमको इतने सारे लोग बचाने वाले मेरे बीच में क्यों आता, इसलिए मैंने वहां से वापस गया, पास में भी आकर गया। बोले द्रौपदी एकदम पास में आकर भी गया। बोले क्यों, बोले जिस समय तुमने देखा कोई मेरे को बचा नहीं रही है, तू ये सोच रही थी मैं साधारण घर की थोड़ी लड़की हूँ, अरे मैं तो स्वयं अग्नि से प्रकट हुआ, स्वयं घूमे हूँ, अग्नि से प्रकट हुई मैं, साधारण वीर क्षत्रिय नहीं, इसलिए अपना कपड़े को तुम चोर जबरदस्ती पकड़ कर रखी थी और दांत को नीचे दबा कर रखी थी कि नहीं, यहाँ रखी थी। बोले द्रौपदी जब तुम खुद को खुद बचा सकती हो, पर बीच में क्यों आता, इसलिए मैं तो फिर वापस गया। लेकिन जब तुमने देखा पांडव भी रक्षा नहीं कर रहे, कुलो गुरु भी कोई कुछ नहीं बोल रहे, और मैं खुद को खुद भी रक्षा नहीं कर पा रहा, उसी समय में तुमने दोनों हाथ उठा करके हे गोविंद रात शरण अब जीवन हरी, हे गोविंद तेरे सिवाय और दुनिया में मेरे कोई नहीं, जब तुमने दोनों हाथ उठाए तब मैं स्वयं वस्त्र रूप में प्रकट हुआ, 10,000 हाथी की ताकत खत्म हो गई, लेकिन 10,000 साड़ी खत्म नहीं हुआ, दुनिया देख रहे थे साड़ी की नारी नारी बीच कोई साड़ी है, इसलिए कहते इस संपूर्ण रूप में भगवान हमें रक्षा करेंगे, ये पूर्ण विश्वास तुम्हारी होनी चाहिए, और भगवान हमें पालन करेंगे ये भी विश्वास होनी चाहिए। देखो श्री चैतन्य महाप्रभु के हम कहते ना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त वृंद बोलते हैं ना, उसमें जो श्रीवास है वो नारद श्रीवास, वो चार भाई थे, उनकी शादी हुई थी, बच्चे भी थे, लेकिन वो चार भाई कोई काम धाम नहीं करते थे, सारा दिन घर में ये बजीरा ढोलकी लेकर के दिन रात हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare सारा दिन ठाकुर का नाम जप करके सब पूरा परिवार बैठ करके एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु आए बोले भैया तू चार के चार भाई पत्नियां बच्चे कोई काम धाम नहीं करते हो हैं कोई काम धाम नहीं दिन भर ये मजीरा मृदंग लेकर के हरे कृष्ण करते हो संसार कैसे पलेगा ये संसार कैसे पलेगा देखो उन्होंने क्या बोला उन्होंने हाथ में पूरे तीन ताली बजा दी महाप्रभु बोल भैया मैं तेरे को पूछ रहा हूँ तेरे संसार कैसे पलेगा और तू तीन ताली क्यों बजा रहे बोले प्रभु आपने गीता में प्रतिज्ञा की कि नहीं बोले क्या प्रतिज्ञा है देखो भगवान कितने बड़ी प्रतिज्ञा देते हैं बोले अन्यश्चिंत तमाम जे जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां जवाक्षयं वहामि अहम् कृष्ण गीता में प्रतिज्ञा लिया बोले हे अर्जुन जो व्यक्ति अनन्य रूप में मेरी भजन करता है अनन्य मतलब दिन रात उनकी भक्ति में जो डूबा हुआ न अन्य और कोई देवा देवी नहीं इधर उधर नहीं आज इसको पूजा करे कल उसको पूजा कर उसको नहीं उसमें फिर आपका जो विश्वास टूट जाती है ये नहीं करेगा वो करेगा वो नहीं करेगा वो करेगा नहीं इसकी भक्ति को दृढ़ भक्ति नहीं बताए अनन्य भक्ति नहीं बताया अनन्य मतलब है जैसे हनुमान जी को राम का खेल पूजा जैसे मीरा मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरों को जैसे गोपियां कहती हैं उद्धव मन ना भयो दस बीस एक मन सो गए श्याम संग को आराध ईश ऐसे भक्ति एक निष्ठ भक्ति होनी चाहिए इसलिए बहुनिष्ठ भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं इसलिए ऐसे जो अनन्य रूप में मेरे को छोड़ कर और कुछ नहीं जानते जिसको कृष्ण गीता में कहते मन मना भव मन और किसी को नहीं तो मेरे को तो मत भक्त भव हे अर्जुन भक्त बनना तो मेरा ही भक्त बनो माम जाजी पूजा कर तो मेरी माम नमस्कुरु प्रणाम करना तो मेरे को करो करेगा तो क्या मिलेगा भगवान कहते हैं माम एससी फिर तो तुम मेरे को प्राप्त कर सकते हो फिर तो तुम मेरे पास में आ सकते हो हैं और जहां जाने से फिर ये दोबारा संसार में तुम्हें आना नहीं पड़ेगा कहते अगर दूसरे देवादेव को पूजा करके कृष्ण कहते हैं अगर ब्रह्मलोक तक भी चले जाओगे पुण्य खत्म होते फिर यही करोगे फिर यही आओगे फिर इसी माया के चक्कर में बैठोगे लेकिन केवल मुझे प्राप्त करोगे ना फिर तो दुनिया में कभी तुम नहीं आओगे इसलिए कहते हैं अनन्य जो व्यक्ति अनन्य अन्य इसी रूप में मेरी एकांत की भक्ति करती है सभी घटा मेरे भाव में डूबा हुआ रहता है मैं उनके लिए दो काम करता हूँ बोले क्या दो काम करते हो बोले उसके घर में जो चीज नहीं हो ना सर पर रख करके पहुंचाता और दूसरा चीज उसके घर में जो चीज है मैं एक दरवान बन करके उसको मैं रखवाल करता हूँ भगवान इतनी बड़ी प्रतिज्ञा गीता में की है इसलिए बोले प्रभु आप तो गीता में बोले जो मेरे अनन्य रूप में भजन करेगा मैं ही सारे दायित्व लूं फिर मैं अपना चिंता क्यों करूं हम तो पूरा परिवार तुम्हारी चरण में शरणागत हैं तेरी भक्ति करते हैं भजन करते हैं बोले ताली तुमने क्यों बजाई बोले पहला ताली इसलिए बजाया एक दिन तेरे भजन करके देख लेंगे कुछ मिलता कि नहीं बोले दूसरी ताली बोले दूसरे दिन भी देख लूंगा कुछ मिलता कि नहीं बोले तीसरे ताली बोले तीसरे दिन भी देख लूंगा बोले फिर
फिर अगर कुछ हमको कुछ मिलेगा नहीं ना, फिर हम तो बोले कि ठाकुर झूठ मूठ का सब बोले, ये सब झूठ है सब देखा, गले में कलसी बांध कर गंगा में झाप गला गंगा में छलांग लगा दूंगा। महाप्रभु इतने ठाकुर जी प्रसन्न हुए, उसको पीठ पर हाथ थपथपाए, बोले देखो मैं तेरे को वरदान देता हूँ, अगर लक्ष्मी कभी दर दर में भीख मांग सकती है, लेकिन तेरे घर में कभी अन्न वस्त्र की अभाव नहीं पड़ेगी, भगवान स्वयं कहते हैं। हाँ बताओ हनुमान जी दिन भर क्या करता है, बोलो। रघुपति राघव राजा राम पति सारा दुनिया को खिला रहे हैं पिला रहे, रिद्धि सिद्धि हनुमान, जब नाम सुना भी पिसा भी नहीं आवे, सब बोलते हैं ना, बोले भैया दिन भर करता है क्या, शंकर जी कोई काम धाम करता है क्या, कहते महामंत्र जयी जपत महेशा पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी, दिन भर प्रभु का नाम जप करते हैं, दुर्गा देवी को हम प्रार्थना करते क्या कमा रहे हैं कहीं, अगर काम करते नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सहस नाम सुनि प्रिय वाणी, जपी जय संग प्रिय भवानी, दिन रात आठ हाथ में देखना एक हाथ में माला है, ब्रह्मा जी कितने काम करते वो माला जब करते सरस्वती देव माला सब। इसलिए राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, दिल वाले नहीं दिल वाले दिल वाले नहीं, क्योंकि दिल वाला ही नाम जप कर सकते हैं, नहीं तो बोलेगा भैया अगर माला जप करेंगे लोग तो नहीं बोलेंगे तुम क्या भक्त बन गए ना, कि भक्ता नहीं बन, अरे क्या भक्त नहीं बनकर चोर बनोगे ना क्या, हम डर लगता है ना गले में कट्टी तिलक पहनने तो क्या बोले हैं लोग दुनिया में क्या बोले, देखो ये विदेश से आए देखो ललर में देखो तिलक है कट्टी पहने देखो ये मृदंग बजा रही है, हमें आएगी, हम तो हिंदू है, बोलो कोई गीता कोई श्लोक बोलो ऊपर देखेंगे, और हीरो का हीरोइन का नाम बोलो सब याद है, सारी गलती चीज को याद कर लिया, लेकिन ठाकुर जी की भक्ति भक्ति से कोई हम नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जिसका अंदर में छह शरणागति होगी ना, जिसका अंदर में छह शरणागति जिसका अंदर में होगी, इसलिए अनुकूल को छोड़ो प्रतिकूल को त्याग दो, अनुकूल को लो प्रतिकूल त्याग दो, भगवान को भरपूर विश्वास रखो वही रक्षा करेंगे पालन करेंगे, और ठाकुर जी की शरण में चले जाओ शरणागत हो जाओ, और अपने आप को दीन दीन मानो, हम संतों की सेवक के सेवक के सेवक की सेवक हमें हैं। इसलिए यहाँ पर कहते भैया संतों को शरण में जाकर क्यों प्रार्थना करें, क्योंकि इसकी हृदय में ठाकुर जी बैठे हुए, इनकी प्रार्थना ठाकुर जी सुनते हैं, अगर हम संतों को प्रार्थना करें, अगर संत अगर हमारी हो करके अगर ठाकुर जी को प्रार्थना करें ना, बस ठाकुर जी जल्दी सुन जाएंगे, जैसे मोदी है हैं भैया, अगर आप मोदी से मिलना चाहते हो इतना आसान थोड़ी है, लेकिन उसको पास में क्या उसका और पास में सेक्रेटरी पीए अमित साहब, अगर तुम्हारे अमित साहब को साथ में कोई परिचित हो, तुम्हारे अमित साहब को साथ में कोई परिचित हो अच्छा कोई फ्रेंडशिप है, फिर मोदी को पास में जाने की कोई दिक्कत होगा, वो सीधा बोले वही एप्लीकेशन की कोई जरूरत नहीं, चल हाथ पकड़ के कुछ से मिला दें, फिर उसी तरह हम भक्तों की शरण में की जाए, कारण यही है जो भक्त भगवान के नजदीक में रहते हैं, जब इनकी शरण में जाएंगे ना ये सीधा हमारे हाथ पकड़ करके ठाकुर जी के पास में पहुंचा है, इसलिए यही नियम है हम डायरेक्ट ठाकुर को प्रार्थना करके ठाकुर जी हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, इसलिए संतों की शरण में जाएंगे तो प्रार्थना ठाकुर जी सुनेंगे, इसलिए इसमें भक्त मना ठाकुर यही कह रहे हैं तब ऐसे कब दिन आएगा जो कि हम संतों की शरण में जाएंगे उनसे प्रार्थना करेंगे, वे हमारी होकर के ठाकुर जी को प्रार्थना करें, ठाकुर जी बस जल्दी में प्रसन्न हो जाए, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी भजन में दंते तीर्ण करे दड़ाए व निष्कपटे सुनिया अमार दुख वैष्णव ठाकुर आमा लागे कृष्ण आवे दिन में प्रचुर वैष्णव आवे दिन कृष्ण दयामय एह न पामर प्रति हवे न सदय विनोदर निवेदन वैष्णव चरणे कृपा करी संगला यही है कीर्तन, तो भक्तिमन ठाकुर जो लिख रहे कीर्तन प्रार्थना कर रहे विनोदर निवेदन वैष्णव चरण, हम किसी के चरण में प्रार्थना कर रहे हैं संतों के चरण में है निवेदन वैष्णव चरणे कृपा करी संगला यही है कीर्तन, वो कहते हैं
भैया आप तो दीनहीन व्यक्ति है, हमारे तो कोई भजन साधन की हमारी कोई ताकत है नहीं, संत की सेवा करे, संत कृपा करे तो हमारी घर में ठाकुर को कृपा कर सकते हैं। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम सीताई गौर हरि 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 बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Sri 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 go, 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 Hare Rama,
Thank you.